क्या आप जानते हैं दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। सफलता, पैसा और जीत सिर्फ शरीर की मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि जो दिमाग की शक्ति का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं उन्हें मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 10% लोग ही अपने दिमाग का अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आपको 90% लोग मेहनत करते दिखेंगे और 10% लोग ही कामयाबी के शिखर पर दिखेंगे। यह सारा खेल दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का और उसका भरपूर उपयोग करने का है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि अपने दिमाग की शक्ति को कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। यदि इस वीडियो में बताई सारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर जीत आपकी होगी और हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। पहले हम यह समझते हैं कि दिमाग की संरचना कैसी होती है और यह कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का वजन हमारे सारे शरीर के भर का 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और औसतन हम पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिमान जीव 4 से 5% तक का ही उपयोग कर पाते हैं। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। यह हमारे शरीर और सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। पर मानव का मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मानव मस्तिष्क का विकास 3 खंडों में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनमें से प्रत्येक में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हम आंखों से जो भी देखते हैं उसका प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग के ऑक्सीपिटल लोब में होता है और जो भी हमें कानों से सुनाई देता है उसका प्रोसेस टेम्पोरल लोब में होता है। हमारे दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसीलिए उसमें दर्द महसूस ही नहीं होता। अब तक आपने मानव मस्तिष्क की संरचना को समझा, अब आइए समझते हैं कि हमारे दिमाग को तेज और शक्तिशाली कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, इसीलिए 12 से 16 गिलास पानी प्रतिदिन आपको पीना चाहिए। अब किसको कितना पानी पीना चाहिए उसका भी एक विज्ञान है। आपके शरीर का जितना वजन है उसमें 10 का भाग दीजिए और जो अंक सामने आए उसका 30% पानी आपको रोज पीना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी रोज पीना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका मस्तिष्क ज्यादा स्वस्थ रहता है और ज्यादा शक्ति के साथ काम कर पाता है। और दूसरी बात, आप अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले। ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आहार है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं करती और हमारे ब्रेन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यह किस आहार में मिलता है, चलिए इसे समझते हैं। वैसे तो ओमेगा 3 फिश और सोलोमन में होता है, लेकिन चलिए शाकाहारी मनुष्यों के लिए बात करते हैं। आपके हृदय और मस्तिष्क को रोज 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए शाकाहारी लोगों के पास सबसे बेस्ट फूड है फ्लैक्सीड। इसे बेस्ट सीड ऑन द प्लेनेट कहते हैं, जिसे हिंदी में अलसी कहा जाता है। अब इसे ग्रहण कैसे करें उसे समझते हैं। आप अलसी के बीजों को पीस कर उसका पाउडर बना ले और रोज 1 चम्मच टेबल स्पून आपको खाना है 1 चम्मच अलसी पाउडर में। आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा जो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अलसी के अलावा भी आपके मस्तिष्क के लिए बादाम, अखरोट, बेरीज, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो और ब्रोकली भी बहुत अच्छे आहार हैं। पर बादाम को खाने का सही समय सुबह का है और अखरोट के खाने का सही समय शाम का है। तीसरी बात, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और आराम। प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क तक पूरी ऑक्सीजन पहुँचती है जिससे हमारा मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होगा। और आप नियमित व्यायाम करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर के स्वस्थ और सक्रिय रहने से आपका दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। और आप नियमित ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है जिससे आपके दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और आप नींद पूरी लें,
रात को तो आप पूरी नींद ले ही, पर दिन में भी जब आप काम करते करते थक जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए एक या दो बार आंखें बंद करके सारे काम साइड में करके शरीर को थोड़ा आराम दें। इसे पावर नैप भी बोलते हैं। यह आपके दिमाग को फिर से नई ऊर्जा प्रदान करता है। चौथी बात, आप ब्रेन एक्सरसाइज करें और ब्रेन गेम्स खेलें। ब्रेन एक्सरसाइज जैसे आप चिंगम चबाएं, चिंगम चबाने से हमारे ब्रेन में ज्यादा ब्लड पहुंचता है जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज, आप लिफ्ट हाथ से लिखने की कोशिश करें या लिफ्ट हाथ से टूथब्रश करने की कोशिश करें। आपको यह काम करने में बहुत तकलीफ आएगी लेकिन इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। इससे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका दिमाग तेज होने लगेगा और इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट के लिए यह बहुत अच्छी चीज है। जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और आप ब्रेन गेम्स खेले जैसे कि शतरंज और क्रॉसवर्ड जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। ऐसे गेम्स मत खेलो जिसमें आपका दिमाग ही ठप हो जाए, जिसमें आपको मोबाइल में घुसना पड़े। आप ऐसे गेम्स खेले जिसके लिए आपके दिमाग को कुछ क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। इस तरह के गेम्स खेलने से भी आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और आप दिन में कुछ ना कुछ याद करने का अभ्यास करें, चाहे वह आपके स्कूल कॉलेज के नोट्स हो या फिर किसी का फोन नंबर हो। और रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिन की दिनचर्या को एक डायरी में लिखना सीखिए। इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपको अपने सारे दिन को याद करना पड़ेगा जिससे आप दिमाग की स्मरण क्षमता बढ़ने लगती है। दिमाग की याद करने की और चीजों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ने लगती है। और पांचवी बात, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। कभी किसी नई भाषा को सीखें, कभी संगीत में कुछ नया सीखें, कुछ भी ऐसा सीखते रहे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। आपके दिमाग की कसरत हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर थोड़े दिन में अलग अलग चीज सीखें। आप वही चीज सीखें जिनका कनेक्शन आपके करियर से हो, आपके बिजनेस से हो, आपकी लाइफ से हो, जो आपकी जिंदगी में आपके लिए काम आए, आपके लिए फायदेमंद हो। इन सारी बातों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करने लगेंगे तो यकीन माने आप दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब इंसान बनेंगे, दूसरे लोगों से ज्यादा धनवान इंसान बनेंगे। जिस इंसान को सही समय पर सही दिमाग लगाना आ गया उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वह जो चाहे वह हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना किसी इंसान के बुद्धि और विचारों की वैल्यू होती है। इसलिए विचारवान बने, महान बने। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।